सो गाइस हलवा से कुछ ही टाइम बाद हम जयपुर पहुंचने वाले हैं और जयपुर में फुल बसड़ मचाएंगे। ये व्लॉग मैं जयपुर से वापस अलवर पहुंच जाऊंगा तब डालूंगा, बिकॉज सामान बहुत ज्यादा हो गया था मेरे पास में। सो मैंने मैकबुक कैरी नहीं किया अपने साथ में, तो एडिटिंग में वापस जब अलवर आ जाऊंगा तब मैं आके करूंगा। एंड ये रूट देख रहे हो, ये है जयपुर जाने का। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम जयपुर के लिए निकले हैं। चल रहे क्या नाहरगढ़? चल रहे हैं, मैं जा रहा हूँ भाई। लोकी चल रहे हैं? चल रहे क्या? चल रहे भाई, गुड नाइट। अरे भाई इन गेटों का क्या सीन है, खुल ही नहीं रहे यार भाई। अंदर आ रही है काफी। ओ गॉड, निकालते हैं सबसे पहले। गुड मॉर्निंग गाइस। तो जयपुर से आते टाइम मैं मोटो व्लॉगिंग नहीं कर पाया, मैं क्या चार्जर भूल के आ गया अपने गोप्रो का, और कैमरा मेरा बिल्कुल ऑफ पड़ा हुआ था। तो आते टाइम के आपको रास्ते के एक भी मोटो व्लॉग नहीं देखने को मिले। तो मैं जैसे जयपुर आया मैंने कैमरा चार्ज किया, और सबसे तगड़ी डेस्टिनेशन को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, वो है नाहरगढ़। नाहरगढ़ पे मोटो व्लॉगिंग का एक्सपीरियंस करेंगे आज तगड़ा वाला, और सनराइज का सीन दिखाएंगे आपको जयपुर के टॉप व्यू से, और शाम का सीन बताता हूँ गाइस। मैंने शाम को जो एक्सप्लोर किया यहाँ पे, मैंने देखा यहाँ पे बिल्कुल मतलब ऐसा कर्फ्यू सा लगा हुआ है, कोई नहीं है मार्केट में, और कोरोना से लोग डरे हुए हैं, मार्केट में बिल्कुल शांति है। ये गाड़ी कैसे खड़ी है, एंड चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना भाई, टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं। चल रहा है क्या, जल्दी आ। तो इन्होंने चुल मचाई थी नाहरगढ़ डेस्टिनेशन की, मेरा नाहरगढ़ का कोई प्लान नहीं था भाई। 4 बजे रात को उठाया मेरे को और बोलते हैं नाहरगढ़ चलना है, चलना है, चलना है। मैंने मना कर दिया, नहीं जाना मेरे को, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। 5 बजे खुद सो गए, मैं रेडी हो गया, अब 6 बज रहे हैं। 1 घंटा मैंने इनको जगाने में वेस्ट किया अपना, और अब जब मैंने बाइक निकाल ली, बाइक की आवाज़ है स्टार्ट की, तो बोलते हैं भाई कहाँ जा रहा है, मेरे को भी छोड़ देगा नाहरगढ़। अब तो पहले आता था, जल महल को एक्सप्लोर करेंगे, नाहरगढ़ को एक्सप्लोर करेंगे, सनसेट देखेंगे, कुछ बातें करेंगे, और जयपुर में क्या क्या प्लान्स है, जयपुर में कोलैबोरेशन के प्लान चल रहे हैं। मैं इसीलिए आया हुआ हूँ जयपुर, कोलैबोरेशन करने, बाइक का एक्सचेंज करने, बाइक एक्सचेंज का भी मेरा प्लान चल रहा है। तो आप मेरे व्लॉग बैक टू बैक देखना है, ये एपिसोड 1 है। चैनल पर नए हैं तो करना सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना। आइए सर आइए, वेलकम टू गोवा। लो चश्मा पहन लो, पिंक सिटी में पिंक चश्मा लो। चाय पे तो इस पे हो जाएगा यार भाई, फटाफट चल पहन लो, पहन लो, पहले क्यों नहीं आए। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चोरी, पेट्रोल टैंक है हमारा फुल, लेट्स गो। ये देखो कितनी चौड़ी चौड़ी हो गई काफी टाइम बाद। पहले वो मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो बहुत ही मतलब बसड़ सी हो रखी थी, वो लोहे के जो बॉक्स होते हैं वो जगह जगह रख रखे थे, जिससे ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा हो रहा था।
एंड ये वॉच का मार्केट, आप ये जो देख रहे हो वॉच का, हार्डवेयर का, पेंट्स का, ये वाला जो मार्केट है भाई, एक एक चीज पता है जयपुर में मैक्सिमम। और ये तो है नहीं भाई ज्ञानी है, पर जितना पता है आपको बता रहा हूँ मैं। ये चौड़ा रास्ता बुक्स का मार्केट, अब तुम्हारा भाई निकलेगा मोबाइल के सामने से चीरते हुए। ओ! ये देख रहे हो ये है हवा महल, और लोकेशन आपने देख ही लिया मैं कहाँ से आया हूँ। और अभी जाते टाइम फिर बकचोदियाँ मचाएंगे यहाँ से निकलेंगे तब। आपको बस इस वीडियो में अंत तक यही देखना है कि मैं सनराइज में पहुंच पाता हूँ या नहीं, तो वीडियो में बने रहना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर मैं पहुंचता हूँ तो मेरे को इंस्टाग्राम पे अप्रिशिएट जरूर करना यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जाना और फॉलो करना, फॉलो। क्या यार मतलब अंधेरे में निकले थे और अंधेरे से कब मतलब सुबह हो गई, दिन टाइप का हो गया, पूरा उजाला हो गया, पता ही नहीं लगा। वाओ क्या मेंटेन करके रखा हुआ है इस वाली जगह को यार, एकदम पिंक, वाओ व्हाट अ फीलिंग मैन, एकदम साफ सुथरी, मतलब कोई लोकेशन दिखती है और पिंक सिटी में जब आते हैं पिंक पिंक दिखती है तो तगड़ा फील होता है यार। ये जलमहल का सीन है गाइस, ये देख रहे हो आप, इसका मैंने कोई व्लॉग नहीं किया, ना मैंने किसी व्लॉग में ये दिखाया, मैं मोटो व्लॉगिंग नहीं करता था उस टाइम। सबसे पहले चलते हैं अपन सनराइज पे और आधे टाइम अपन जलमहल को कवर करेंगे। बड़ी प्यारी लोकेशन लग रही है सुबह सुबह, मतलब नेचुरल चीज इतनी प्यारी लगती है, हाय 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 क्या बताऊं यार। तो सबसे पहले अपन को देखना है सनराइज, उसके बाद में अपन यहाँ आएंगे जलमहल, नीचे उतरेंगे नारगढ़ से वापस और देखेंगे भाई यहाँ पे जलमहल में क्या क्या बसा है। चलो वाओ भाई, मैंने गलती की, जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो साथ में मेरे को जयपुर में मोटो ब्लॉगिंग भी करनी थी, क्यों नहीं, जब मैंने यहाँ पे ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी जयपुर में तो साथ में मेरे को मोटो ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर देनी थी कि नहीं, आप मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में। मैंने गलती की उस टाइम, ओनली ब्लॉगिंग में रहा मैं, मोटो ब्लॉग में मेरे को आना चाहिए था उस टाइम, मैं थोड़ा लेट हो गया, मेरी एंट्री लेट से जरूर हुई है पर हुई खतरनाक है मानते हो ना। चलो क्या फीलिंग्स है यार, कोई नहीं है सुबह सुबह यहाँ पे और तुम्हारा भाई व्लॉगिंग कर रहा है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं मेहनत कर रहा हूं, सीन बड़ा प्यारा आ रहा है ऊपर का सुबह सुबह, वाह 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 क्या बात है क्या बात है। ओ फॉक पूरी सिटी दिख रही है भाई यहाँ से, हैं और जलमहल भी दिख रहे हैं। सूरज डूबा है यार दो घुट नशे के मार, रास्ते भुला दो सारे घर बार के। आ क्यों नहीं रहा, कभी तो सनसेट हो रहा है कभी सनराइज हो रहा है, क्या हो रहा है।